So, अगला चैप्टर जो अपन रिवाइज करने वाले हैं दैट इज ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग राइट तो पहले अपन थोड़ा सा हैंड रोटेड नोट से करेंगे और फिर अपन बुक से करेंगे ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग भाई फटाफट वीडियो को लाइक करो जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करो आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हो ना दिल से खुशी मिलती है कि हाँ यार अपना जो एफर्ट्स है वो बच्चों को पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी है रिजल्ट अच्छे चाहिए अपने को तो देखना पार्टिकुलरली जो चैप्टर अपना दैट इज ऑडिट स्ट्रैटी प्लानिंग प्रोग्रामिंग अब यहां पे तीन चीजें आती हैं देखो एक ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है एक प्लानिंग क्या होता है एक ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है और साथ ही साथ अपने ऐसे थ्री हंड्रेड भी यहां पे कवर हो जाएगा दैट इज प्लानिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सबसे पहली चीज देखना अगर हम बात करें तो ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है वट डू मीन बाई ऑडिट स्ट्रैटेजी तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सेटिंग द एस टी डी ऑफ ऑडिट ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब आप याद रखिएगा एस टी डी ऑफ ऑडिट क्या याद रखोगे एस टी डी ऑफ ऑडिट मतलब सेटिंग द स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन ऑफ ऑडिट अपना ऑडिट का स्कोप क्या रहने वाला है यह अपन स्ट्रेटेजी में डिसाइड करेंगे FRF कौन सा एप्लीकेबल होगा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कौन सी एप्लीकेबल होगी कितना कंट्रोल्स में अपन अपन रिलाई करेंगे रेंगे पर्टिकुलरली स्कोप, स्कोप में देखेंगे फिर टाइमिंग्स ऑडिट रिपोर्ट अपने को ईयरली देना है हर तीन महीने में देना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा और फिर डायरेक्शन यार एंगेजमेंट पार्टनर एक होता है एंगेजमेंट पार्टनर और एक होता है बाकी टीम मेंबर्स तो अल्टीमेटली एंगेजमेंट पार्ट में क्या करता है बाकी लोगों के काम का डायरेक्शन बाकी लोगों के काम को डायरेक्शन देता है उनके काम को रिव्यू करता है सुपरविजन करता है तो कितना डायरेक्शन देने का जरूरत पड़ने वाला है कितना रिव्यू करने का जरूरत पड़ने वाला है कितना सुपरविजन करने का नीड आने वाला है यह सारा कुछ ऑडिट स्ट्रैटेजी में आएगा तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सेटिंग द दी ऑफ ऑडिट इसके अंदर आप बोल सकते हो ऑडिट स्ट्रैटेजी मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वालिटी क्वांटिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्स क्या बोला मैंने ऑडिट स्ट्रेटेजी मीनस डिसाइडिंग द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ऑडिट में कितने लोग चाहिए कैसे लोग चाहिए कितने लोग चाहिए मतलब क्वांटिटी क्वांटिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे लोग चाहिए एक्सपीरियंस लोग चाहिए फ्रेशर से भी काम चल जाएगा आर्टिकल से भी काम चल जाएगा सीनियर से ये चाहिएगा कब चाहिए टाइमिंग क्या चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए यार एक ही बार साथ में अपना पांच ऑडिट चल रहा है और पांचों के लिए अपने पास स्टाफ एप्लीकेबल ही नहीं है तो पहले स्ट्रैटेजी बनाना रहेगा और फिर जितने भी लोगों को ऑडिट करने के लिए भेजा है उनको उनका काम काम डी डीआरएस कैसे होगा उनको डायरेक्ट कैसे किया जाएगा रिव्यू कैसे किया जाएगा सुपरवाइज कैसे किया जाएगा ये सारा कुछ स्ट्रैटेजी में आएगा ये सारा कुछ स्ट्रैटेजी में आएगा और याद रखिएगा स्ट्रैटेजी बनाने में पांच फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है स्ट्रैटेजी बनाने में पांच फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है ठीक है जिसको याद करने का सिंपल सा तरीका है स्ट्रैटेजी बनाना है स्ट्रैटेजी बनाना है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए किससे पूछे सीआरपीएफ से पूछो किससे पूछो सीआरपीएफ से पूछो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना है ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना है किससे पूछे सीआरपीएफ से पूछो सीआरपीएफ मतलब रिपीट करना मेरे साथ सी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट

तो स्ट्रैटेजी बनाने में पांच फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है पहला करेक्टिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट एफ आर एफ वगैरह कौन सा एप्लीकेबल है इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है दूसरा अपना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव किया है ठीक है।, है ना रिपोर्टिंग uh, ऑब्जेक्टिव किया है कब रिपोर्ट जो है हर तीन महीने में इशू करना है साल में इशू करना है कितना डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ होगा वो सारा कुछ देन नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सेज कितना रिसोर्सेज चाहिए जो भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म किया था मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म किया था कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होते हैं जो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले परफॉर्म करना रहता है ऑडिट शुरू करने से पहले परफॉर्म करना रहता है जैसे कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह एसेस करना तो उसका जो रिजल्ट निकला उसके बेसिस में भी स्ट्रेटेजी बनेगा तुमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को एसेस करा तुमने क्लाइंट के एथिकल ग्राउंड्स को एसेस करा तुमने देखा क्लाइंट कितना एथिकल है तो ऑन दैट बेसिस तुम स्ट्रेटेजी बनाओगे और फाइनली तुम देखोगे स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कौन से फैक्टर्स है जहां एंगेजमेंट टीम का एफर्ट ज्यादा लगने वाला है कौन से फैक्टर्स है जहां एंगेजमेंट टीम का एफर्ट ज्यादा लगने वाले हैं तो कौन सा फैक्टर्स है जहां एंगेजमेंट टीम का एफर्ट ज्यादा लगने वाला है कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां एफर्ट ज्यादा लगेगा मान लो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है वहां लोग ज्यादा चाहिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अजर्शन है वहां ज्यादा एक्सपीरियंसड बंदे को काम असाइन करना पड़ेगा तो वो सारा कुछ देखना पड़ेगा स्ट्रैटेजी बनाते वक्त अब ऑडिट स्ट्रैटेजी बना लिया ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या बनाया था एस अब बनेगा ऑडिट प्लान अब बनेगा ऑडिट प्लान जो कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है जो कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है ठीक है ना अब ऑडिटर को इंश्योर करना है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट ठीक है क्या करना है पार्टिकुलरली uh, ऑडिटर को इंश्योर करना है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट और इसके लिए वो बनाएगा ऑडिट प्लान अब तुम सोचो यार तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम बिना कोई प्लानिंग के पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा ना इफेक्टिवनेस रहेगा ना एफिशिएंसी रहेगा अगर तुमको रिजल्ट्स चाहिए तो तुमको प्लान बना के पढ़ना होगा ठीक है ना अब ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें आएंगी ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें आएंगी याद करना ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या आता था ऑडिट प्रोसीजर्स में रैप करेंगे फैप करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अब ऑडिट प्लान में तीन चीजें आएंगी ऑडिट प्लान में तीन चीजें आएंगी तुमको डिटरमाइन करना है एंटी ऑफ तुमको डिटरमाइन करना है नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ठीक है तुमको डिटरमाइन करना है नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रैप फैप पैप क्या बोला मैंने इससे क्वेश्चन आता है भाई थोरिटिकल क्वेश्चन नहीं आता इससे एमसीक्यू आता है केस स्टडी आता है तुमको डिटरमाइन करना है नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रैप फैप पैप तो ऑडिट प्लान के अंदर तुम क्या करोगे डिटरमाइन करोगे नेचर टाइम एक्सटेंट नेचर मतलब कौन से प्रोसीजर्स टाइम मतलब कब एक्सटेंड मतलब सैंपल साइज क्या रहेगा सैंपल साइज क्या रहेगा तो so, नेचर मतलब कौन से प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट ठीक है नेचर टाइम एक्सटेंड मतलब एंड फॉर नेचर कौन से प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से प्रोसीजर्स कंप्लायस प्रोसीजर्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कौन से प्रोसीजर्स टाइमिंग मतलब कब एंड ई e मतलब एक्सटेंड सैंपल साइज क्या रहेगा तो डिटरमाइन करना है एंटी ई ऑफ रेप प्लान के अंदर मतलब मैं जो रैप परफॉर्म करूंगा ना उसका नेचर क्या रहेगा टाइम क्या रहेगा एक्सटेंड क्या रहेगा मैं जो फैप परफॉर्म करूंगा उसका नेचर क्या रहेगा टाइम क्या रहेगा एक्सटेंड क्या रहेगा और जो मैं फैप मेरे प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे उसका नेचर क्या रहेगा टाइम क्या रहेगा एक्सटेंड क्या रहेगा यह सब कुछ ऑडिट प्लान बनाते वक्त तुम ध्यान रखोगे इसके ऊपर इसके ऊपर तुम देखोगे तो आईसीआई के स्टडी मैट में एमसीक्यू केस स्टडी है केस स्टडी में पॉइंट दिया हुआ सैंपल साइज डिसाइड करना बताओ किसके अंदर आता है स्ट्रेटेजी के अंदर आता है प्लान के अंदर आता है प्रोग्राम के अंदर आता है, है तो तुमको पता होना चाहिए ठीक है मांगो लेटर से डिसाइडिंग के अंदर आता है।, है, है तो यू शुड नो दैट अब प्लानिंग बनाते वक्त बोला कि हर चीज सोच लो हर चीज सोच लो कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं भविष्य में कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे कौन से रैप करेंगे कौन से फैप करेंगे कौन से फैप करेंगे हमारा मैटलिटी क्या रहेगा हम कौन से एक्सपर्ट्स का काम यूज़ करेंगे सब चीज़ सोच लो और बोला प्लानिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता प्लानिंग एक इटरेटिव एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होता है प्लानिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता अब तुम सोचो यार तुमने फाउंडेशन में जब एनरोल किया होगा तब तुमने प्लानिंग करी होगी तुम्हारा प्लानिंग खत्म हो गया क्या नहीं इंटर में फिर से प्लानिंग शुरू इंटर क्लियर करोगे फिर से प्लानिंग शुरू आर्टिकलशिप कहां करनी है कैसे करनी है फिर उसके बाद फाइनल में प्लानिंग शुरू फिर फाइनल के बाद जॉब की प्लानिंग शुरू फिर उसके बाद शादी की प्लानिंग शुरू फिर बच्चों की प्लानिंग शुरू फिर बच्चों के बच्चों की प्लानिंग शुरू मतलब यार प्लानिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है और प्लानिंग को रिवाइज किया जा सकता है क्या बिल्कुल रिवाइज किया जा सकता है यार तुम लोग तो डेली रिवाइज करते हो प्लान बनाते हो डेली दस घंटा पढ़ने वाले हैं फिर एक हफ्ते बाद अरे मौसी आ गई थी अरे भुआ के बच्चे आ गए थे अरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था प्लानिंग रिवाइज होता है ना तो सेम वे पे यहां भी प्लानिंग रिवाइज हो सकता है और फिर ऑडिट प्रोसीजर्स के ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है तो ऑडिट प्रोग्राम की बात करें तो ये और भी डिटेल्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम के लिए एक डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनता है मान लो फिक्स एसेट का ऑडिट कैसे करेंगे उसका डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनेगा बकायदा इन्वेंट्री को ऑडिट कैसे करेंगे डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनेगा सेल्स का ऑडिट कैसे करेंगे डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनेगा परचेज का कैसे करेंगे डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनेगा और ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली सारे एरियाज को कवर किया जाएगा मगर याद रखिएगा ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए रिजिड नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार परचेज का ऑडिट प्रोग्राम बना लिया तो जो परचेज के ऑडिट प्रोग्राम में दिया हुआ है अपने को उसी में रहकर ऑडिट करना है आउट ऑफ दैट ऑल्सो यू फील समथिंग इज नेसेसरी फॉर योर ऑडिट तो यू शुड गो एंड डू तो ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड और एक चीज और याद रखिएगा एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं हो सकता तुम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो तुमने फिक्स एसेट का एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया अब तुम्हारे पास इन्फोसिस का ऑडिट आया तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि फिक्स एसेट का जो प्रोग्राम तुमने रिलायंस के लिए बनाया था वही चिपका दिया वहां पे। तो यार हर बिजनेस का नेचर अलग रहेगा साइज अलग रहेगा रिक्वायरमेंट अलग रहेगी तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं रहने वाला है ठीक है जी तो ये अपना सारा बेसिक वाला पार्ट था अब अपन चलो बुक से देखते हैं तो जनरल रिक्वायरमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू तो ऑडिट प्लानिंग ऑडिटर को प्लान करना चाहिए अपना वर्क इस तरीके से कि वो अपने ऑडिट को एफिशिएंट एंड एफेक्टिव तरीके से कर सके बोला जो भी प्लान बनेगा ना वो क्लाइंट बिजनेस के नॉलेज के हिसाब से बनेगा 315. और ऐसे 300 हंड्रेड कहता है कि प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज नहीं है ऑडिट का एक कंटिन्यूअल फेज है इटरेटिव फेज है ठीक है ना एक एंगेजमेंट खत्म तो उसका प्लानिंग खत्म दूसरा एंगेजमेंट चालू तो उसका एंगेजमेंट उसका प्लानिंग चालू बोला पहले स्ट्रेटजी बनेगा स्ट्रेटजी में तुम एस डिसाइड करोगे स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड करोगे एंड इट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान इससे भी एमसीक्यू आया है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑडिशलिश ऑडिटल स्टैब्लिशन ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट ऑफ प्लान या प्लान बनाएगा एंड बोला प्लानिंग का बेनिफिट क्या रहेगा बोला प्लानिंग का बहुत सारा फायदा है देखो एक बच्चा है जो बिना प्लानिंग के पढ़ाई करता है और दूसरा बच्चा है जो प्लानिंग के साथ पढ़ाई करता है तो जो बच्चा प्लानिंग के साथ पढ़ाई करता है ना वो इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस कर पाता है टाइमली बेस में सिलेबस कवर कर पाता है एफिशियट मैनर में चीज़ों को कवर कर पाता है डिसाइड कर पाता है कौन सा कॉम्पिटेंट टीचर है किस सब्जेक्ट के लिए है कहाँ से मेरे को क्या कोचिंग लेनी है कहाँ मेरे को किसका काम यूज़ करना है तो अकॉर्डिंगली जो ऑडिटर भी प्लानिंग करेगा तो वो इंपॉर्टेंट एरियाज़ में क्या कर पाएगा अटेंशन डिवोट कर पाएगा प्रॉब्लम्स को टाइमली बेसिस में सॉल्व कर पाएगा ऑडिट को अच्छे से मैनेज कर पाएगा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को सेलेक्ट कर पाएगा बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज़ डायरेक्शन रिव्यू सुपरविजन अच्छे से होगा डिसाइड कर पाएगा कहां कहां एक्सपर्ट का हेल्प लेना है कहां नहीं लेना ये सारा कुछ प्लानिंग का बेनिफिट्स है <coughs> <coughs> फिर ऐसा 315 का पार्ट आ रहा है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस ऑडिट प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है यह ने देखा कि ऑडिट प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट वेदर ए कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव फेज़

प्लानिंग हाउेवर इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ सर्टन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स नीड्स टू बीप्लीटेड प्रायर टू दर्फॉर्मेंसिटीजर्स तो देखना प्लानिंग करते वक्त आप रैप के लिए भी प्लानिंग करते हो फैप के लिए भी प्लानिंग करते हो अब क्या बोला प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ फैप आप कुछ एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग करोगे अब फैप से पहले क्या किया जाता है फैप से पहले रैप किया जाता है मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त आप प्लानिंग में किन चीजों को कंसिडर करोगे क्या क्वेश्चन है भाई अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या आता था याद करो इंक्वायरी आता था ऑब्जर्वेशन आता था इंस्पेक्शन आता था एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता था मेनली आता था तो अब बेसिकली चार चीजें आती थी तुम इसको ऐसे बोल सकते हो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड अपार्ट फ्रॉम एनालिटिकल प्रोसीजर्स अदर एरियाज तो अब तुमको प्लानिंग करना है कि रैप करते वक्त तुम किस तरीके से रैप करने वाले हो तो बता प्लानिंग में तुम देखो कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स तुम यूज करने वाले हो एंड अपार्ट फ्रॉम एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन से दूसरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो पॉइंट नंबर वन एंड फाइव साथ में रीड करो तुम क्या करोगे अंडरस्टैंडिंग लोगे पार्टिकुलरली uh, कि रैप करते वक्त तुम कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की तरह यूज़ करोगे एंड बाकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन से यूज़ करोगे उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ये भी रैप के अंदर आ गया प्लानिंग स्टेज में मैं बताया था मैंने कि अंडरस्टैंडिंग लो एंटिटी का मैटिलिटी को डिटरमाइन करना कि मेटिलिटी का लेवल मेरा क्या रहने वाला है ये भी रैप के अंदर आ जाता है कि एक बार रिस्क असेस करते वक्त ही मैंटिलिटी के बारे में सोच लो और एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं ऑडिट में ये भी तुम पार्टिकुलरली जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे तो उसी वक्त प्लानिंग स्टेज में तुम क्या करो सोच लो कि एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना क्योंकि एक्सपर्ट्स बाद में मिलते नहीं है अब मान लो मुझे सपोज एक्सपर्ट चाहिए तो यार एक्सपर्ट सिलेक्टेड होते हैं और हर किसी का स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स रहता है और तो एक्सपर्ट्स होता है बहुत सिलेक्टेड तो प्रैक्टिकली बहुत सारे सी एफ एम्स एक्सपर्ट्स के पीछे भागते हैं तो मेरे को अभी से क्लियर होना चाहिए मेरे को कौन सा एक्सपर्ट चाहिए कौन सा एक्सपर्ट नहीं चाहिए ताकि मैं उनको अपने ऑडिट के लिए फ्रीज कर सकूँ फिर ऑडिट प्लान जब डेवलप करेंगे तो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे ऑडिट प्लान डिस्क्राइब करते वक्त बनाते वक्त हम डिस्क्राइब करेंगे एंटी ऑफ रैप फैप पैप ये ऑलरेडी किया डी आर एस ऑडिटर प्लान करेगा नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ डी आर एस कि भाई डायरेक्शन देना होता है रिव्यू करना होता है सुपरविजन करना होता है लेकिन कितना वाट शुड बी द नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ डी आर एस तो बोलेगा तो बोला कि वो डिपेंड करेगा अपॉन मैनी फैक्टर्स चार फैक्टर्स दिए बोला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी एंटिटी बड़ा है तो डी आर एस ज्यादा करना रहेगा एरिया ऑफ ऑडिट एस एस डिस्क ऑफ आर ओ एम एम अगर रिस्क ऑफ में स्टेटमेंट ज्यादा है तो मतलब तुमको ज्यादा डायरेक्शन देना रहेगा टीम मेंबर्स को ज्यादा रिव्यू करना रहेगा ज्यादा सुपरवाइज करना रहेगा कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क कि जो टीम मेंबर्स ऑडिट कर रहे हैं तुम देखो यार वो कितने कैपेबल हैं अब तुम गधो घोरों को ऑडिट करने दे दोगे तो तुमको ज्यादा डायरेक्शन देना रहेगा रिव्यू करना रहेगा सुपरवाइज करना रहेगा लेकिन तुम समझदार लोगों को ऑडिट करने के लिए दोगे है ना तो इन दैट सिचुएशन तुमको कम डी करना रहेगा तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि डी आर एस डिपेंड करेगा डी आर एस डिपेंड करेगा अपॉन द नंबर ऑफ कार्स यू हैव कार्स मतलब सी फॉर कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क ए मतलब एरिया ऑफ द ऑडिट ऑडिट का एरिया क्या है आर मतलब रिस्क ऑफ मेटर मिस स्टेटमेंट एस मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी डिस्कशन विथ एंगेजमेंट टीम बोला जब भी ऑडिट प्लान बनेगा तो ऑडिट प्लान बनाते वक्त कौन इन्वॉल्व होंगे आर्टिकल इन्वॉल्व होगा क्या तुमको क्या लगता है आर्टिकल असिस्टेंट इन्वॉल्व होगा क्या नहीं जो भी एंगेजमेंट पार्टनर होगा और की मेंबर्स होंगे एंगेजमेंट टीम के वो सब प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे और प्लानिंग में जो भी डिसाइड करा वो मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल तुमने प्लान कर लिया मैं इस तारीख को जाऊंगा मैनेजमेंट की प्रोमाइस में जाऊंगा ऑडिट करूंगा अरे भैया तुमने तो डिसाइड कर लिया कि मैं इस तारीख को जाऊंगा मैनेजमेंट की प्रोमाइस में जाऊंगा ऑडिट कर, करूंगा बट मैनेजमेंट को तो इन्फॉर्म करो भाई मैनेजमेंट को तो अल्टीमेटली तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा अरेंजमेंट्स करने होंगे कि ऑडिटर भाई साहब आएगा ऑडिट करेगा कि बिना मैनेजमेंट को इन्फॉर्म के तुम चले जाओगे नहीं तो तुम क्या कर सकते हो मैनेजमेंट को तुम यहां पे क्या करोगे कम्युनिकेट करोगे द एलिमेंट्स ऑफ योर प्लानिंग और बोले एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग होता क्या है प्लानिंग के प्रोसेस को तुम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो एक प्लानिंग से पहले की चीजें एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले एंगेजमेंट एक्टिविटीज और दूसरा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद प्लानिंग एक्टिविटीज जिसके अंदर ऑडिट स्ट्रेटजी आता है ऑडिट प्लान आता है ठीक है ना ऑडिट स्ट्रेटजी आता है ऑडिट प्लान आता है तो सबसे पहले एंगेजमेंट एक्टिविटीज प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो प्लानिंग प्रोसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है एक प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले और दूसरा प्लानिंग एक्टिविटीज एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले मतलब यार एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ही तुम सोच लो प्लान आउट कर लो कि क्या तुम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाओगे क्या तुम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाओगे क्या तुम इंडिपेंडेंस वगैरह की जो गाइडलाइन उनको कंप्लाई कर पाओगे दूसरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को देखो और तीसरा क्वालिटी के जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं ऐसे टू ट्वेंटी में रिगार्डिंग द कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप उसके बारे में सोचो क्या बोला सर आपने हमें बिल्कुल समझ नहीं आया हमारे दिमाग से एकदम ऊपर बाउंसर चला गया ठीक है

जो कंटिनुएस ऑफ क्लाइंट रिलेशन का पॉइंट दिया है ऐसे 220 में उसके बारे तो में सोचो तो ऐसे 220 में कंटिन्यूशन ऑफ क्लाइंट रिलेशन का पॉइंट दिया है कि यार कब तुम किसी क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करोगे कंटिन्यू करोगे अगर तुमको लगता है कि यार क्लाइंट ईमानदार है क्लाइंट की इंटीग्रिटी है तुमको नॉलेज है तब तुम काम कंटिन्यू करो वरना मत करो तो उस चीज के बारे में भी तुम कंसिडर करो ये होता है सारा पिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और फिर होता है प्लानिंग एक्टिविटीज ऑडिट प्लानिंग को रिवाइज किया जा सकता है क्या बिल्कुल किया जा सकता है अलग अलग सिचुएशंस में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स चेंज इन कंडीशंस तुम प्लानिंग को रिवाइज कर सकते हो ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं तो ऑडिट स्ट्रैटेजी के चार बेनिफिट्स हैं मेनली ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के एक तो क्वालिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्वान्टिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टाइमिंग एंड डी तो यार स्ट्रैटेजी का ये बेनिफिट है कि एक तो तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि यार कौन से रिसोर्सेज चाहिए मेरे ऑडिट में कितने लोग चाहिए कितने टीम मेंबर्स चाहिए कैसे लोग चाहिए एक्सपीरियंस लोग चाहिए फ्रेशर से भी काम चल जाएगा क्वांटिटी कितने लोग चाहिए तुम पहले एस्टिमेट कर लो कितने मैन आज चाहिए कितने ब्रांचेस हैं ये वो फिर टाइमिंग कब चाहिएंगे मेरे को लोग कब चाहिएंगे और उनका मैं डीआरएस कैसे करूंगा डायरेक्शन रिव्यू सुपरविजन कैसे करूंगा जब ऑडिट स्ट्रैटेजी स्टैब्लिश किया जाएगा ऑडिटर सीआरपीएफ से पूछेगा मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट्स, रिसोर्सेज नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द करेक्टर स्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट कि यार एप्लीकेबल एफ आर एफ कौन सा है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कौन सी है देन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कब तक करना है फिर आ, एसलटेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज जो भी तुमने पिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करा उसका जो रिजल्ट आया उसको भी तुम सोचो फिर स्ट्रेटजी बनाओ और देखो कि कहाँ तुमको ज्यादा फोकस करना है कौन से फैक्टर्स हैं जो सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको लग रहा है कि यार एफ आर एफ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आया तुमको लग रहा है कि एफ आर एफ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आया है या इंडस्ट्री में कुछ लॉ वगैरह चेंज हुआ है तो मतलब वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी को क्या करेगा इन्फ्लुएंस करेगा रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान याद रखिएगा पहले स्ट्रेटजी बनेगा फिर प्लान बनेगा प्लान के अंदर एंटी ई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आएगा और उसके बाद पहले स्ट्रेटजी बनेगा फिर प्लान बनेगा अगर स्ट्रेटजी में चेंज आता है प्लान में चेंज आएगा प्लान में चेंज आएगा आएगा तो स्ट्रेटजी में चेंज आएगा प्लान में चेंज आएगा तो स्ट्रेटजी बदलेगा स्ट्रेटजी बदलेगा तो प्लान बदलेगा तुम्हारी स्ट्रेटजी है तुमको सीए बनना है उसके हिसाब से तुमने प्लान बनाया अब तुम्हारा स्ट्रेटजी हो गया मेरे को सिंगर बनना है प्लान चेंज होगा कि नहीं होगा तुम्हारी स्ट्रेटजी है मेरे को बोध रूप क्लियर करना है उसके हिसाब से तुमने प्लान बनाया कि मैं दिन का बारह घंटा पढ़ूंगा बट तुमने दिन का चार घंटा चार पढ़ना शुरू कर दिया तो स्ट्रेटजी भी चेंज करना पड़ेगा बोध ग्रुप नहीं दे पाओगे सिंगल ग्रुप ही दे पाओगे तो रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना ऑडिट प्लान बनाना किसकी जिम्मेदारी है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनली क्या आएगा ऑडिट प्रोग्राम तो ऑडिट प्रोग्राम के बारे में क्या बताया था मैंने कि हर एक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग अलग प्रोग्राम बनता है सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स कि हर एक आइटम के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करूंगा मैं एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होगा ठीक है ना एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होगा हर एजर्शन के लिए बेस्ट एविडेंस लेने के लिए हर एजर्शन के लिए हाइस्ट सैटिस्फैक्शन डिराइव करने के लिए बेस्ट एविडेंस लेने के लिए अकॉर्डिंगली ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करना रहेगा फॉर एग्जाम्पल मेरे को कैश के एजर्शन में बेस्ट एविडेंस लेना है सेटिस्फैक्शन लेना है तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा कि मेरे को जाके कैश की काउंटिंग करनी है क्योंकि जब तक मैं जाके कैश की काउंटिंग नहीं करूंगा मेरे को कैश के रिस्पेक्ट में हायस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं जब भी कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम फॉलोइंग स्टेप शुड बी कैप्टन माइंड यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा तो कुछ बातें ध्यान में रखी जाएंगी सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या हो गया स्टेप बाय स्टेप में डिफाइन कर रहा हूं कि मेरे को क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप बिग फोर में जब ऑडिट करने जाते हो ना तो बिग फोर का अपना हर आइटम का ऑडिट प्रोग्राम होता है वो अपने हर आर्टिकल को पकड़ा देता है तो वो रेफरेंस के लिए काम आता है एसेट ऑडिट करना है तो उनका बकायदा पूरा ऑडिट प्रोग्राम होगा एक एक पॉइंट लिखा रहेगा पहले क्या करना है फिर क्या करना है फिर क्या करना है सब चीज लिखा रहेगा तो मतलब ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त एक चीज ध्यान रखना कि अपने औकाद में रहना है अपने स्कोप में रहना है और जो भी लिमिटेशन तुम्हारे ऊपर लगा लगाया गया है उसको पहचानना है यार मान लो तुमने अपने ऑडिट प्रोग्राम में लिख दिया कि मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम इंफॉर्मेशन को फोर्सफुली सीज कर लेंगे तो भाई तुम अपनी औकात के बाहर जा रहे हो ऑडिट प्रोग्राम में तुम उतना ही लिखो कि इन्फॉर्मेशन मांगना है तुम ये सर्च एंड सीजर वाला पॉइंट नहीं लिख सकते यू कैनॉट गो आउटसाइड द स्कोप दूसरा तुम जब ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे तो तुम देखो कौन सा एजर्शन के लिए हाइस्ट सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा अकॉर्डिंगली तुम लिखो कि कैसे मेरे को बेस्ट एविडेंस मिलेगा फिर उस पार्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जो जो स्टेप्स प्रोसीजर्स तुम अप्लाई कर पाओगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जो जो स्टेप्स प्रोसीजर्स तुम अप्लाई कर पाओगे तुम उसके बारे में सोचो ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त ये भी सोच लो कि तुमसे गलतियां भी हो सकती हैं यू कैन डू एरर्स ऑल्सो तुम भगवान नहीं हो कि आप उनसे कुछ गलत नहीं होगा सबसे अच्छा पॉइंट है जो भी रिलेटेड आइटम्स हैं जो भी रिलेटेड आइटम्स हैं उनके प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट कैसे करना है उसके बारे में सोचो फॉर एक्साम्पल सेल्स ऑडिट प्रोग्राम हमेशा डाइटर के ऑडिट प्रोग्राम के साथ कॉर्डिनेटेड होगा परचेस का ऑडिट प्रोग्राम पर्टिकुलरली हमेशा क्रेडिटर के ऑडिट प्रोग्राम से कॉर्डिनेटेड होगा तो क्या करो जिस बंदे को तुम से ऑडिट प्रोग्राम दे रहे हो सेल्स ऑडिट करने दे रहे हो उसे को और फिर एक प्रॉपर रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाओ बोलो ऑडिट प्रोग्राम के फायदे क्या क्या होंगे वट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम अब मान लो लेटस से एक एग्जाम्पल लेते हैं अब ऑडिट प्रोग्राम में क्या हुआ था ऑडिट प्रोग्राम में क्या हुआ था कि यार ऑडिट प्रोग्राम तुमने जब बनाया तुमने बकायदा हर आइटम के लिए प्रॉपर डिटेल्ड में चीजें तैयार कर ली तुमने बकायदा क्या किया हर आइटम के लिए प्रॉपर डिटेल्ड में चीजें तैयार कर ली तो तुमको एग्जैक्टली exactly पता है कि सजेशन में कितना रिस्क है क्या है तो अकॉर्डिंगली तुम असिस्टेंट्स को सिलेक्ट कर पाओगे एज पर देयर कैपेबिलिटी अकॉर्डिंगली टू मैं असिस्टेंट को सिलेक्ट कर पाऊंगी एज पे देयर कैपेबिलिटी अब ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है बाकायदा कि मान लो फिक्स एसेट का ऑडिट प्रोग्राम है तो स्टाफ के लिए हर एक पॉसिबल इंस्ट्रक्शन है कि फिक्स एसेड को ऑडिट करते हुए क्या क्या देखना है वो एक रेडीमेड चेकलिस्ट है और किसी भी चीज़ को ओवर लुक करने का चांसेस बहुत कम है नॉर्मली मैं जाता मैं फिक्स एसेड को ऑडिट कर रहा होता तो पाँच चीज़ें मेरे दिमाग में आती पाँच चीजें स्कीप हो जाती लेकिन अगर ऑडिट प्रोग्राम है हर एक चीज़ बाकायदा लिखी हुई है मेरे को देख देख कर उसको फॉलो करना है तो ओवर लुक होने का चांस ही बहुत कम है प्लस क्या होगा कि आपने हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जिसको आपने परचेज का ऑडिट दिया तो परचेज का ऑडिट प्रोग्राम को वो फॉलो कर रहा है विगरसली है ना वो परचेज के ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है अगर उस ऑडिट प्रोग्राम में कुछ भी फॉलो नहीं हुआ तो सीधा सीधी उस बंदे की अकाउंटेबिलिटी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई काम को सुपरवाइज करना भी बहुत ईजी रहेगा काम को सुपरवाइज करना भी बहुत ईजी रहेगा तो तुम सोचो सोचोगे सर एडवांटेजेज ऑडिट प्रोग्राम का ये सारा क्या है एडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम का सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स इंस्ट्रक्शन फॉर स्टाफ रेडीमेड चेकलिस्ट इग्नोरेंस का चांस ही नहीं है ओवर लुकिंग का चांस ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो जाएगा सुपरवाइज करना बहुत ईजी रहेगा टाइमली कंप्लीट हो जाएगा काम फ्यूचर ऑडिट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा एंड एज ए ऑडिटर अगर कोई मेरे ऊपर नेग्लीजेंस का चार्ज लेके आता है अरे तुमने तो ऑडिट किया ही नहीं था ठीक से तो मैं बोलूंगा भैया ये ऑडिट प्रोग्राम है देखो मैंने पूरा ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से ऑडिट किया है मैंने हर पॉइंट में टिक भी लगा रखा है मैंने बकायदा ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से ऑडिट किया है तो कल को फ्यूचर में तुमको कोई निकम्मा बोले चोर बोले बोले तुमने ढंग से ऑडिट नहीं किया था तो वो ऑडिट प्रोग्राम तुम्हारे लिए डिफेंस बन के भी काम आएगा इट विल बी यू नो एक्टिंग एज योर डिफेंस मैकेनिज्म तो ये सारा क्या है सर एडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम का ये सारा क्या है एडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम का तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स हो गया इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टाफ हो गया रेडीमेड चेकलिस्ट हो गया इग्नोरेंस या ओवर का चांस ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन का चांस ही नहीं है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गया इजली सुपरविजन टाइमली कंप्लीजन फ्यूचर ऑडिट्स सेफ गार्डस फॉर ऑडिटर डिसएडवांटेजेस क्या है बोला यार ये ना मैकेनिकल अप्रोच बन जाता है कभी कभी फिर पता चलता है पूरा ऑडिट प्रोग्राम है सामने वाला बंदा से दिमाग क्या लगाना पूरा अच्छा खासा ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है उसी को देख देख कर ऑडिट कर लेता हूँ तो बंदा दिमाग लगाना ही बंद कर देता है मैकेनिकल कॉन्सेप्ट बन जाता है और मैकेनिकली काम करने लगता है ठीक है ना मैकेनिकली काम करने लगता है मोनोटोनस बन जाता है बोरिंग बन जाता है यार अपनी दिमाग लगाएंगे क्रिएटिविटी दिखाएंगे तब मजा आएगा ना लेकिन एक ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है लिस्ट डिफाइंड है उसके हिसाब से ऑडिट कर रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी मोनोटोनस इट बिकम्स वेरी वेरी मोनोटोनस ठीक है सेल्टर फॉर इन एफिशियंट असिस्टेंट ये बहुत प्यारा पॉइंट है बोला जो निकम्मे लोग हैं काम के नहीं है दिमाग वगैरह कुछ है नहीं स्कैप्टिसिजम वगैरह कुछ खास है नहीं प्रोग्राम देखते जा रहे हैं प्रोग्राम के पॉइंट्स देखते जा रहे हैं ऑडिट करते जा रहे हैं प्रोग्राम के पॉइंट्स देखते जा रहे हैं ऑडिट करते जा रहे हैं सीनियर बोल रहा है सब बाज तूने बहुत अच्छा ऑडिट किया जबकि जबकि वो बिल्कुल भी ऑडिट का ऑडिटर का दिमाग लगा ही नहीं रहा कोई भी अनयूजुअल मैटर आता है तो उसका ऑडिट जो है फेल हो जाएगा लेकिन ऑडिट प्रोग्राम की वजह से क्या है एक इनएफिशिएंट असिस्टेंट को भी शेल्टर मिल रहा है वो एक डिसएडवांटेज है एक निकम्मा भी क्या कर रहा है एक इनएफिशिएंट असिस्टेंट भी क्या कर रहा है आ, उस ऑडिट प्रोग्राम को देख देखकर ऑडिट कर रहा है ठीक है ना और इससे एक बहुत बड़ा रिस्क है कल को, को कोई भी नई चीज आएगी कोई भी नया रिस्क आएगा तो पता चलेगा उस नए रिस्क को कवर ही नहीं किया और फिर सामने वाला भाई साहब बोलेगा सामने वाला बंदा बोलेगा कि अरे और ये तो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा नहीं था बोल के मैंने किया नहीं तो इसको करना चाहिए ना ऑडिट प्रोग्राम में नहीं भी लिखा है तो क्या बात है तेरे को तो करना चाहिए बट मेंटेलिटी वैसा हो गया कि ऑडिट प्रोग्राम को देख देख कर ऑडिट करना है तो ये सारा क्या है अपना डिसएडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम का तो दिस इज ए शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर दैट इज ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लानिंग ऑडिट प्रोग्रामिंग